नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत में और चुनाव की प्रक्रिया इन दिनों जारी है। प्रत्याशी अपने एजेंडे को लेकर, मुद्दे को लेकर नगर पंचायत वार्ड संख्या में भड़मर कर रहे हैं और लोगों को अपनी बातें बताने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये नंबर एक में न कोई सफाई होती है, न कोई धुलाई होती है, न कुछ न नाली साफ होता है, न कुछ साफ होता है। वार्ड नंबर एक में चले जाए, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया, यानी एस स्कूल है, वहाँ पर अभी तकलीफ बिजली जो है जो बिजली है वहाँ पर जलती नहीं है। अभी रात के समय अगर आ जाए कोई, अगर कोई आ जाए, कोई बच्चे का स्टूडेंट हो जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। बहुत ही अच्छी समस्या इन्होंने बताया। और बता दूँ आपको कि मेरे आँखों के सामने ही दिख रहा है डस्टबिन, वो सीधा उसी तरह खुला है। और जहाँ तक की व्यवस्था की बात की जाए तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यानी कि भाई का, राजू भाई जी का जो मुद्दा है बहुत ही सराहनीय है। नेताजी, हम मुद्दे पे बाद में बात करेंगे, पहले चर्चाएं कर लेते हैं कि आप पैसे से करते क्या हैं। सर, हम ठेले पे फल बेचते हैं, हम गरीब व्यक्ति हैं, हम ठेले पे फल बेचते हैं। अच्छा, फल बेचते हैं। आप पढ़ाई उढ़ाई हुई है सर? हाँ, पढ़ाई हुई है, 10 ले पढ़े हुए हैं और वही लोग के बीच में रहते हैं जी। ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक बड़ा महंगा हो चुका है, राजनीति जो है बड़ा महंगा हो चुका है, तो फल बेचते बेचते अब राजनीति में आ रहे हैं तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। क्या पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो पैसा होगा खर्च करना ही पड़ेगा। गरीब जनता के पास हम जाएंगे, अपने समस्या को रखेंगे, अगर जनता हमको चुनेगी तो ठीक है, नहीं चुनेगी तो कोई बात नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। व्यवसायी हैं आप एक तरह से, व्यवसाय होने के बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? हम इसलिए आ रहे हैं, बहुत से गरीब लोग हैं जो कह रहे हैं कि आवास के नाम पे, कुछ लोग आवास के नाम पे पैसा लिए हैं, कोई 15,000 लिया, कोई 20,000 रुपया लिया है। अभी मैं कल या परसों घूम रहा था अपने वार्ड में तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ कुछ मेंबर पैसे लिए हैं, चाहिए लिए हैं। और आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर रोड जब बन रहा था, रोड की कोई, अभी रोड देख लीजिए, यहीं पर रोड है, अभी उसका समस्या भी नहीं हुआ है। अभी जिस तरह रोड है उसी तरह रोड पड़ा हुआ है, इस ये रोड तो सारा टूटा हुआ है। हाँ, टूटा हुआ, तो आखिर इस पे बनना चाहिए ना। प्रत्याशी आने जाने वाले लोगों को समस्या होती है, बहुत समस्या होती है, समस्या होती तभी ना कहते हैं लोग कि ये समस्या है, चाहे वो समस्या, कोई भी समस्या होता तभी आदमी कहेगा, तभी ना जानेगा। ये कप्तानगंज नगर पंचायत बहुत ही पुराना नगर पंचायत है, आप इसको विकास के नज़रिए से किस नज़र से देखते हैं? हम अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, बल्कि लोगों के बात ये पहुँचाना चाहते हैं कि ये विकास हो यहाँ पर, लोग चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको विकास हो, सबका काम करो। विकास में क्या क्या विकास करने वाले हैं, क्या क्या योजना बना के रखे हैं कि पार्षद हो जाए, सभासद हो जाएंगे तो ये विकास करेंगे, ये विकास करेंगे? पहले तो हम एक मुद्दा ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड में बहुत से बच्चे अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं उनको पढ़ाने का काम करेंगे, चाहे उनके पास पैसा रहे या नहीं रहे, मेरा हक है मुझे पढ़ाने के लिए। बहुत से बच्चे देते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, चले जाते हैं झोला झंडी उठाकर इधर उधर चले जाते हैं, कूड़ा करकट बीनते हैं, बल्कि मुझे अच्छे नहीं लगता है ये काम देखकर। वाह, आपकी जो योजना है, जो आपका ये मुद्दा है बहुत ही सराहनीय है और ऐसे मुद्दे को सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं नाना प्रकार के बहुत सारे कार्य को करते हैं। लेकिन आपकी योजना जो है बहुत ही बेहतर है कि उन बच्चों को शिक्षा दिया जाए। शिक्षा देने का मतलब होता है कि आप एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी विचार ये है कि बच्चों को मैं शिक्षा से जोड़ूंगा ताकि बच्चे जो हैं अपने भविष्य में कुछ कर सकें। और भी क्या कार्य करने वाले हैं सर विकास के क्षेत्र में? विकास के क्षेत्र में यही काम करेंगे, जो जिसकी परेशानी हो वो परेशानी हमारे पास लाए, अगर हमारे पास नहीं हो पाएगा तो हम करवाएंगे, कहीं से ना कहीं से करवाएंगे ज़रूर। अच्छा सर, युवा है, युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है, बोल दीजिए आ रहे हैं? युवाओं का समर्थन मिल रहा है, चाहे युवा 10 वोट दे चाहे 5 वोट दे, मुझको लड़ना है, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे उससे मतलब नहीं हमको। अगर पार्टी टिकट दे तभी लड़ेंगे, अगर पार्टी नहीं टिकट देती है तभी हम लड़ेंगे। पार्टी की बात आई तो किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी है? हम समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, अभी बातचीत चल रहा है, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो निर्दल लड़ेंगे, चाहे 10 वोट जनता हमको चुने चाहे 5 वोट चुने, बगैर हमको लड़ना है तो लड़ना है। यानी पूरा मूड बना लिए हैं। हाँ। पार्टी टिकट दे या ना दे हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे जनता में 10 वोट दे चाहे 100 वोट दे। आप समाज के लिए काम किए होंगे तो जरूर आपको वोट मिलेगा।
अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम आप लोग को जनता से सब धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। अगर अगर जो पांच अगर वोट दिए रहेंगे जनता, मैं उन पांच लोग अगर काम करूंगा तो 50 लोगों के पास जाएंगे, वो 50 लोगों का काम करवाने का काम करेंगे हम। तो राजू भाई के लिए जरूर कमेंट करें और देखते रहें फास्ट प्लस न्यूज़, बने रहें। धन्यवाद।